नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ऑनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने प्रकार की भी एजुकेशनल अपडेट है वो सबसे पहले कवर की जाती है, ताकि हर प्रकार की जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स तक समय पर पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान पटवार भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो एक नंबर से या कुछ पॉइंट से रह गए थे, उन बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी जो है लगातार भरी हुई है। उन्हें यह लगता है कि उनको भी जो है उनकी पोस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी के माध्यम से जो टॉपिक बनता है, डाउटफुल टॉपिक है दोस्तों, वो वेटिंग लिस्ट को लेकर है। क्योंकि लगातार विद्यार्थी जिनके पॉइंट्स के अंदर नंबर कम है वो लगातार कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आवंटन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार एक बार फिर से कैलकुलेशन करेगी और देखेगी कौन से विद्यार्थी जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनका होता क्या है कि वो किसी और वैकेंसी के अंदर जो है सिलेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में वो पटवार की वैकेंसी को कभी भी जो है ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो अदर वैकेंसी है उसके अंदर वह ज्वाइंट है। तो दोस्तों, ऐसे लिस्ट निकल जाएगी कि ये बच्चे जो है ज्वाइनिंग होने के बाद में भी इस पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कट ऑफ के लिए और आपकी जो एक नई लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में जो है उसमें भी कुछ आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद में जो बच्चे पॉइंट से कम हो चुके हैं, बिल्कुल जो पॉइंट्स वाले हैं जिनके पॉइंट्स में ही नंबर कम है, या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं जिनके एक नंबर है, एक नंबर से जो रह गए हैं, उनके जो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आने के जो साकार है वो बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी कब तक लगभग? देखिए दोस्तों, 1 से 1.5 महीना और भी लग सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है थीमा प्रोसेस है और धीरे धीरे जो है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पटवार भर्ती से रिलेटेड कैंडिडेट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बेल आइकन को प्रेस भी मत करना और वीडियो को लाइक भी मत करना। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो पटवार भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी अपडेट के लिए या बड़ी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों आपको फायदा ही होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।